दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हैप्पीनेस उत्सव समारोह का समापन हुआ। पंजाब सरकार के स्कूलों के टीचर्स और एजुकेटर्स के एक प्रतिनिधि मंडल भी हैप्पीनेस उत्सव समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। केजरीवालों मनीष सिसोदिया ने शिरकत की। दिल्ली के अंदर हैप्पीनेस उत्सव के समापन समारोह में हिस्सा लेने के लिए ये तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे। त्यागराज स्टेडियम में हैप्पीनेस उत्सव समारोह किया गया। तो सीएम केजरीवाल को आप देख सकते हैं, मनीष सिसोदिया को आप देख सकते हैं, इन दोनों ने यहां पर शिरकत की। वक्त में पहला पीरियड हैप्पीनेस का होता है। आप कल्पना की करके देखिए, दिल्ली के अंदर 18 लाख बच्चे एक ही वक्त में डेली हैप्पीनेस क्लासेस कर रहे होते हैं। कुछ तो अच्छा असर पड़ेगा। इतनी वाइब्रेशंस, अच्छी वाइब्रेशंस पूरे दिल्ली के अंदर फैलती हैं इन सारे 18 लाख बच्चों के। इन सभी 18 लाख बच्चों की जिंदगी में कुछ ना कुछ असर कर रही है ये हैप्पीनेस क्लास। किसी का कम करती है, किसी का ज्यादा करती है, किसी को ज्यादा फायदा होता है, किसी को कम फायदा होता है। आज एक बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, खासकर एकेडमिक प्रेशर इतना है, इतनी कंपटीशन हो गया, माँ बाप का प्रेशर है, नंबर नहीं आते, फेल हो जाता है, कम नंबर आते हैं, देख उसके बच्चे का तो पड़ोसी के बच्चे के तो इतने नंबर आ गए, तेरे तो कुछ नहीं, तू तो निकम्मा है, पता नहीं कैसे है। इतना प्रेशर होता है, एकेडमिक प्रेशर, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये हैप्पीनेस क्लास से उससे एक और हमने जो एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस की है उसका भी बहुत अच्छा असर हो रहा है ये एकेडमिक प्रेशर खत्म करने में। पहले बच्चे बड़े टेंशन में होते थे, नंबर अच्छे नहीं आए तो नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छे कोर्स में एडमिट नहीं होंगे, कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब मैंने कई बच्चों के वीडियो देखे हैं जिसमें बच्चे कहते हैं जी नंबर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, अपना बिजनेस कर लूंगा मैं। वो एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस के जरिए जो कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों के कि नंबर अच्छे नहीं भी आए तो कोई बात नहीं मैं अपना बिजनेस, वो भी एक कॉन्फिडेंस दे रहा है बच्चों को।